कोरबा कलेक्टर रानू साहू पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल सिटी कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने वहां का आकस्मिक निरीक्षण भी किया। साथ ही थाना प्रभारी विवेक शर्मा सहित पूरे कोतवाली स्टाफ की कार्यशैली एवं थाना परिसर की स्वच्छता की सराहना करते हुए उन्हें शाबाशी भी दिए। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर अंतर्गत बने रिहायशी कमरों का अवलोकन भी किया। इसके उपरांत जर्जर भवनों के निर्माण व्यवस्था के लिए दिए गए आदेश कोरबा कलेक्टर रानू साहू पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने कोतवाली का निरीक्षण किया। साथ ही थाना प्रभारी विवेक शर्मा सहित पूरे कोतवाली स्टाफ की कार्यशैली एवं परिसर की स्वच्छता की सराहना करते हुए उनकी प्रशंसा की। जी, आज एसपी साहब के साथ संयुक्त तो रूप से एक थाना निरीक्षण था और इस दौरान परिसर का भी निरीक्षण किया गया। क्या देखा, क्या क्या स्थिति है थाने की बात करें तो? नहीं, अभी सभी स्थिति ठीक है। तो आने वाले समय में क्या भवन के लिए कोई कार्य योजना बनाई जाएगी कि भवन? मैंने निगम आयोग को निर्देशित किया है कि जो है, चूँकि ये भवनें कंडम घोषित हो गई हैं, तो इसका प्रस्ताव बना के जो है हम निगम के माध्यम से या PWD के माध्यम से जो है वो शासन को भेजेंगे और इसमें जिस प्रकार से दिशा निर्देश मिलते हैं कार्यवाही की जाएगी। मैडम, यहाँ पे 60 परिवार भी रहते हैं, पुलिस के कॉलोनी है, वहाँ की हालत भी काफ़ी ज़्यादा, कई बार हादसे भी हो चुके हैं। जी, मुझे मेरी जानकारी में आया है कि ये कंडम घोषित हो गया है और जो है इसमें प्रपोजल बनवा के इंजीनियर की टीम हम भेजेंगे और प्रपोजल बनवा के जो नियमानुसार कार्यवाही अपन करवाएंगे। अभी कुछ दिनों में आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा कि हमारी जो 112 की टीम थी, हमारे पुलिस जवानों की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। तो दो दिन पहले जैसे कि आप लोगों ने कल का खबर देखा होगा कि हमारे पुलिस जवानों ने, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, एक बच्ची को सुसाइड करने से उसको समझाया और वापस लेके आया। साथ ही साथ अभी एक बच्चे की डेड बॉडी गुम गई थी जिसको बहुत ही मशक्कत करने के बाद में वापस लाए। इस तरीके से पुलिस जो है बहुत ही जनहितकारी कार्य की है जिसकी खबर पूरे शहर में फैली हुई है। इन चीज़ों की सूचना जो है कलेक्टर मैडम को भी मिला और हमारे कुलदीप सर उनको मिला, नगर निगम कमिश्नर को CO साहब को मिला। तो हम सब ने सोचा कि जो जवान ने काम किया तो पूरी टीम उनको आकर के उनसे बातचीत करे और उनका नाम को आगे हम जैसे पुरस्कार वितरण के लिए भेजें। इसी पर्पस को लेकर के पूरी टीम यहाँ पर आई थी ताकि हमारे जवान यहाँ पर उत्साहित होकर अच्छा काम कर सके। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और भी था, चूँकि काफ़ी समय से एक मांग आई थी कि यहाँ पे जवानों की जो रहने के क्वार्टर अच्छी स्थिति नहीं, उसमें सुधार की ज़रूरत है। तो इसीलिए पूरा जितने भी थे टीम यहाँ पर आकर हम लोगों ने देखा कि जितना हमारे जवानों के रहने की स्थिति है, थाने की स्थिति है, इस संबंध में एक प्रपोजल बनाकर हम लोग जिला प्रशासन को भेजेंगे ताकि आगे विधिवत उसमें कार्रवाई होकर के आगे प्रोग्रेस हो सके। सर, एक था जो चीज़ इसमें बोर्ड में लिखा है, आज मेरे द्वारा किया गया हर कार्य अच्छा होगा, यहाँ कोतवाली थाना प्रभारी के द्वारा प्रयास।